सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 10th क्लास में स्केल नंबर 25 की कागज बांट सीखेंगे। इसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 42 सेंटीमीटर और हाइट है 80 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ ज़्यादा है इसलिए हमने कागज़ को लेंथ की तरफ रखना है और इसमें फुट्टा यूज करने को हमें कहा गया है वो 2.15 सेंटीमीटर। तो ये 2.15 सेंटीमीटर हमने फुट्टा इसमें यूज करना है। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ हमने जोड़नी है, 120 और 42 162। तो हमने यहाँ से 162 सेंटीमीटर काटना है। तो ये हमारा है 160 और 262 सेंटीमीटर काट देंगे। 162 सेंटीमीटर बची हुई शीट के हमने तीन भाग करने हैं। तो हम यहाँ से एक न्यून कोण ले लेते हैं इस तरह से और इस पर हमने बराबर तीन निशान लगाने हैं। तो आइडिया से अपने हिसाब से हमने प्रकार खोलनी है, 1, 2, 3 इस तरह से इसमें हम लिख देंगे 1, 2, 3। हमने जो तीन है इसको हमें लास्ट पॉइंट के साथ यहाँ पे मिला देना है इस तरह से। इसी के समांतर हमने रेखा लेनी है 2 से। तो यहाँ पे ये यह हमारा 2 है और फिर हमने रेखा लेनी है 1 से। तो यहाँ पे 1 इस तरह से हमने तीन भाग करने हैं और हम प्रकार से भी इसको देख लेते हैं। यहाँ से 1, 2 और 3 बिल्कुल बराबर है। तो हमने एक भाग जो है वो लेफ्ट साइड से हमने यहाँ काट देना है इस तरह से और अब हमने काटनी है इसमें इसकी लेंथ। लेंथ है इसकी 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा 120 सेंटीमीटर आ रहा है, ये हमारा 120 सेंटीमीटर यहाँ पे है। हमने एक भाग जो है वो उसके बाद यहाँ काट देना है इस तरह से और फिर हम काटेंगे इसमें इसकी ब्रेथ। और ब्रेथ इसकी है 42 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है 40, 41, 42 बिल्कुल बराबर आ रहा है और एक भाग हमारा पीछे बच जाता है। अब हमने नीचे से भी इसी तरह से यहाँ से हमने एक भाग काटना है। फिर हम काटेंगे इसमें इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हमारी है 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर यहाँ है। इसके बाद हम काटेंगे इसमें एक भाग छोड़ देंगे। फिर हम काटेंगे ब्रेथ, ब्रेथ है 42 सेंटीमीटर, 40, 41, 42 एक भाग हमारा यहाँ पे बच जाएगा। हमने इसमें इनको मिला देना है ऊपर नीचे और हल्की लाइनों से हम इनको मिलाएंगे, बाद में हम लाइनों को डार्क करेंगे। अभी हम हल्की लाइनों से मिलाएंगे क्योंकि बाद में हमें कुछ लाइनें इसमें मिटानी होती हैं इस तरह से। वो हमने क्या करना है, हाइट में हमने हाइट और ब्रेथ को जोड़ना है जो कि हमारा है 80 और 42, 122 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 120, 21, 22 के लगभग हम यहाँ निशान लगा देंगे इसमें और बची हुई शीट के हमने पांच भाग करने होते हैं बराबर। यहाँ से इस तरह से और हमने इसमें निशान लगाने बराबर पांच एक दो तीन चार पांच इस तरह से इसमें लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5।
और हम इसको मिला देते हैं यहाँ से बराबर लास्ट पॉइंट को 5 के साथ मिलाना हमने, और इसी के समानांतर हमने सभी पार्ट्स को इस तरह से मिलाना है। इस तरह से हमने बची हुई शीट के बराबर 5 भाग कर लिए हैं। और हमने क्या करना है इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये बराबर हमारा 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल बराबर भाग है। अब हमने 2 भाग जितने प्रकार खोलने हैं इस तरह से, और ऊपर से हमने यहाँ से हमने 2 भाग पहले हमने छोड़ने हैं, उसके बाद हम यहाँ छोड़ेंगे इसकी हाइट। तो इसकी हाइट है 80 सेंटीमीटर। यहाँ से हम काटेंगे इसमें, ये हमारा है 75 और 5 80। तो यहाँ से 80 सेंटीमीटर। अब हम काटेंगे इसमें एक भाग से, एक भाग इस तरह से। अब हम काटेंगे इसमें इसकी ब्रेथ, ब्रेथ हमारी 42 सेंटीमीटर। और आप यहाँ देख सकते हैं 2 भाग हमारे पीछे बच जाते हैं। अब हमने दूसरी साइड भी इसी तरह से यहाँ से हम कर खोलेंगे 2 भाग जितने प्रकार खोल करके हमने यहाँ पर निशान लगाना है। और फिर हम काटेंगे इसमें हाइट इसकी, हाइट है 80 सेंटीमीटर। यहाँ से ये हमारा है 80 सेंटीमीटर। और ये मैंने अभी प्रकार 2 भाग के बराबर खोल रखी है, तो यहाँ से भी हम 2 भाग ऊपर को काट सकते हैं। और अभी हमने यहाँ काटना है 1 भाग, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 भाग हम यहाँ काट देते हैं। वैसे तो अभी ये ब्रेथ बची है, फिर भी आप चाहो तो इसको नाप सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए बिल्कुल ये हमारा है 40, 41, 42 बिल्कुल बराबर बचा हुआ है। और हमने इसको मिला देना है यहाँ पे। सफाई का आपने विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ से हम ये लाइन लगा देंगे, यहाँ लाइन लगा देंगे। अभी यहाँ हम हल्की सी लाइन लगाएंगे यहाँ पे, हमने ये लाइन हम पूरी लगाएंगे क्योंकि आधा रेखा है। और यहाँ पे हल्की सी लाइन हम यहाँ बढ़ा के लगाएंगे। और यहाँ पे एक लास्ट लाइन हमारी है, यहाँ हम सिर्फ हल्का सा निशान लगाएंगे, यहाँ हम तिरछा इसको मिला देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं अब जो हमारी फालतू लाइनें हैं उन लाइनों को हम इसमें से मिटा देते हैं। अब हमने क्या करना है, ये हमारी है एक्स वाई लाइन, और यहाँ पे हमने लाइन लगानी है यहाँ पे भी ये हमारी है यहाँ पे इसकी हाइट 80 सेंटीमीटर, यहाँ है इसकी ब्रेथ 42 सेंटीमीटर, और यहाँ है इसकी लेंथ हमारी 120 सेंटीमीटर इस तरह से हम इसमें लिख देंगे। और यहाँ हमने इसमें लिखना है एलिवेशन, यहाँ हम लिखेंगे इसमें साइट प्लान और
प्रोजेक्शन, या हम लिखेंगे इसमें स्केल नंबर जो हमने इसमें यूज किया है 2.15 सेंटीमीटर, और यहाँ हमने इसमें स्केल कार्ड बनाना भी है ये, तो इसके दो नंबर अलग से मिलते हैं। इस तरह से आपने इसको डिवाइड करना है। यहाँ भी हम इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिख सकते हैं। वैसे तो आपने लिख दी है तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे अलग से भी इसको दर्शा सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। और इस तरह से ये हमारी कागज बाट हो गई है। ये है आपकी स्केल नंबर 25। इस तरह से आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।